तो काफी टाइम तक थी और सरकार ने पहला कहा भी था भी 40,000 कुछ केस हैं हरियाणा वासियों पे। ये भी सरकार ने क्या करा घर समन भेजने शुरू कर दिए, यदि समन नहीं लेंदे तो बारना में गेरिया में है या मतलब मकान पे लगाया हुआ है। और उनमें ये दिया गया भी या तो आप तीन पेशियां तक पेश हो नहीं तो आपको फिर उठा लिया जाएगा। और संगीन धारा भी है देशद्रोह तक के केस है, एक महिला पर देशद्रोह का केस होना कितनी बड़ी बात है। तो हम सरकार से यह बात पूछना चाहूँ भाई आपने देशद्रोह का केस ला दिया कोई बात नहीं, फिर हमने नू तो बता दो देशद्रोह कराया कड़ा हमने, सबूत तो दे दो। बिना सबूत के तो देखो किसी को मुजरिम नहीं बनाया जा सकता। मेरे पे भी 7-8 धारा है और मेरे को समन देने में आए थे, समन तो नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि संयुक्त मोर्चा का आह्वान है भी आप ना साइन करोगे ना आप पेश होगे और ना आप समन लोगे। फिर भी किसे व्हाट्सएप के द्वारा या किसे द्वारा में बार बार भेजा जा रहा है, मतलब मनोबल डाउन करने की कोशिश है। उन लोगों का काम है भाई इन लोगों को दबाया जावे जो लोग आगू हैं या मतलब ज्यादा प्रचार कर रहे हैं या आंदोलन को शुरू से सहयोग कर रहे हैं फ्रंट में खड़े हैं, उन लोगों के ऊपर पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है। जिसमें तो मेरा नाम जींद में इनकी पहला नंबर पर ले रखा है और आपने देख भी लिया होगा इतनी संगीन धारा ला रखी है कि एक अपराधी पे भी नहीं लाई जा सकती जितनी संगीन धारा इनकी लगाई है। फिर मैं आज भी एक ही बात कहना चाहूँ सरकार ने, आखिरी दम तक तीनों काले कानून होंगे वापिस MSP की गारंटी होगी। ये मतलब मेरे पे धारा वापिस हो ना हो सजा हो जेल हो या गोली मारो सरकार मैं आखिरी तक लड़ती रहूंगी। और मेरे पे ऊपर बार बार प्रेशर देने की सरकार कोशिश ना करे क्योंकि मैं मनोबल टूटने वाले में तो नहीं हूँ। क्योंकि मैंने पहला भी कहा था मैं एक जवान की बेटी हूँ और एक किसान के घर की बहू हूँ और इन धारा था मैं ना पहला डरी ना मैं आज डर दी और इनका जी करा इतनी धारा और ले आई हो। मैं एक्सपेरिमेंट कहकर खड़ी हूँ क्योंकि मौत से ऊपर कोई मतलब धारा नहीं। और जो हम आज पल पल मरण लग रहे हैं नी सड़क पे इससे बढ़िया है कि भाई हम सरकार के भीतर बैठ के जेल के भीतर बैठ के कम से कम ये नाज रोटी तो देवेंगे। जो नाज रोटी कहते हैं हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं वो कड़ा गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ कवे देनी है। सबसे पहले इनकी बेटी के ऊपर इतनी धारा लगाई थी शर्म की बात है। एक ऐसी देशद्रोह के मतलब जो मैंने धारा देखी तो मेरे खुद नूं समझ में नहीं आई भाई देशद्रोह का ऐसा क्या कर दिया। पर हम आज भी एक के बात कहा ये जो आपने बड़े बड़े बोर्ड बनाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यदि कोई बेटी आवाज उठावे अपनी नस्ल की अपनी फसल की उसके ऊपर आप इसी धारा लगाओ तो यह चीज समझता बैर है। हम तो एक ही बात कहा भाई आप अपने उच्छेद कंडिया तक दूर जाइए उच्छेद कंडिया ना छोड़िए। आप एक ही काम करो तीनों काले कानून और MSP की गारंटी दे दो इन धारा ने तो हम बाद में भी निबेट लेंगे। फिर भी यदि सरकार ने हमने कोई मेरे तो कोई समस्या है तो वह समस्या इनकी जब तक मैं जीव हूँ आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी क्योंकि मेरा एक मकसद हो रहा है सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन। क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन होगी तभी हम लोग हमेशा के लिए इन सरकार बॉर्डर तक दूर हो पाएंगे। जय हिंद जय जवान जय किसान। और जो मतलब की समन मिला आपको उस डेट पे आप कोर्ट में जाओगे? नहीं मैं पेश नहीं होंगी ना मैंने साइन करे और ना मैं पेश होंगी क्योंकि मेरे जो हमारे जो मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुरनाम जी उनसे बात हुई थी उन्होंने पहले भी कहा था वह कहता उन्होंने लाइव में एक वीडियो छोड़ रखी है भाई ना आपने समन लेने ना आपने पेश होना और ना आपने इसके ऊपर ध्यान देना चाहे आप पे कितने केस हों या जितने भी केस होंगे। देखो सरकार उठाती है वो एक अलग बात है वो सरकार का कानून है सरकार का अधिकार है मेरा अधिकार है जो मैं मेरा अधिकार प्रयोग करूंगी। संयुक्त मोर्चा का यही आह्वान है भाई किसी ने समन ना लेने और ना पेश होना और ना मैं पेश होंगी और ना मैं समन लेंगी ना मैंने सिग्नेचर करे और ना मैं सिग्नेचर कर दी। ठीक है व्हाट्सअप करो दरवाजा में गेड़ो बरना के लाओ हमने इस बात तक कोई मतलब नहीं जब तक मेरे सिग्नेचर नहीं होते तब तक सरकार की कोई हिम्मत नहीं भाई मैंने उठा लेगी। क्योंकि जब मैंने कोई कानून का कोई मतलब वो कह रहा कानून जब तोड़ा ही नहीं तो उस कानून की सजा मैं कैसे पाऊंगी और मैं इस ना आखिरी तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी। ये सोचिए भाई सरकार अगर भाई आपने धारा लगा दी आप इसने मतलब अंदर कर दोगे मैं ना अंदर होने तक डरती। सरकार का जो मन में हो वह सरकार करे और जो मेरा मन में होगी मैंने कानून पर विश्वास है मेरी न्याय प्रणाली पर विश्वास है मैंने भारत के संविधान पर विश्वास है मैं आखिरी तक सुप्रीम कोर्ट तक सारे केसों ने लड़ूंगी। सरकार पेश कर देगी देशद्रोह की धारा लगा दी मैं सबूत दे देंगे मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ। यदि उनके पास कोई सबूत नहीं तो मेरा मनोबल डाउन करने के लिए और मेरे परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश करने बंद करें। ये मातृ शक्ति है ये दुर्गा का रूप है तो ये घर तक है सिर्फ दुर्गा का रूप जब घर से बाहर निकले तो ये काली का रूप में आ जाए। सरकार हमने कम आंकने की कोशिश ना करे क्योंकि मैंने कल भी आवाज़ बुलंद करी थी और मैं आगे भी किसानों की और महिलाओं की और बच्चों की आवाज़ ऐसे ही बुलंद करती रहूँगी मेरे को इन धाराओं से कोई फर्क नहीं पड़ता।